शुक्रवार को भिलाई शहर में भी भगवान गणेश की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विघ्नहर्ता की भक्तों ने पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। शुक्रवार को विशेष तौर पर महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में भिलाई स्थित सुपेला थाना के बगल में निर्मित गणेश मंदिर में भी गणेश जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की गई। तत्पश्चात हवन एवं आरती के बाद उपस्थित भक्तगणों में प्रसाद का वितरण किया गया। गणेश जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार काफी कम संसाधनों के बीच संपन्न कराया गया, जिसमें गणपति बप्पा के भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान गणेश के जन्मदिन को मनाने पहुंचे। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी। भगवान गणेश की पूजा अर्चना के पश्चात विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भक्तजनों ने लंगर का स्वाद चखा। गणेश जयंती के अवसर पर हुए इस विशेष आयोजन की जानकारी आयोजनकर्ता कल्पना आगरकर ने मीडिया को दी। 2018 में इसकी स्थापना हुई है और आज गणेश जी का जन्मदिन रहता है और वो तो वैसे ही गणपति जी बुद्धि के दाता है और ये बहुत अच्छे से मनाया। पूजा पाठ के अलावा भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है और प्रतिवर्ष रखा जाता है। गणेश जी से ये मनोकामना है कि आने वाले वर्ष काफ़ी अच्छे हो और जो अभी कोरोना काल जो चल रहा है उन सब चीज़ों से सभी को तकलीफों से बचाए रखें। गणेश जी का जन्मदिन मनाते हुए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से कार्यक्रम में उपस्थित भक्तजनों ने वैश्विक महामारी कोरोना से जल्द मुक्ति दिलाने एवं विश्व कल्याण की कामना करते हुए प्रार्थना की एवं कार्यक्रम में उपस्थित होकर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।